यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मोबाइल वर्ल्ड 2018 की शुरुआत में नोकिया ने पहले ही अपने 5 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से एक नोकिया 7 प्लस भी है, जिसमें एंड्रॉयड 1 दिया गया है। इस फोन की खासियत इसका बेजल लेस डिजाइन और इसमें कार्जियस के ऑप्टिक्स दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन में भी बूटी फीचर दिया गया है, जिसके तहत फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ काम करते हैं। इसकी डिस्प्ले 6 इंच की है और इसमें आने वाले समय में एंड्रॉयड पी भी दिया जाएगा। नोकिया 7 प्लस की खासियत इसमें दिया गया कैमरा भी है। इसमें 2 ड्यूअल रियर कैमरास दिए गए हैं, जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का है और एक 13 मेगापिक्सल का। और जहां तक फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो वो भी 16 मेगापिक्सल का है और सारे ही कैमरे में कार्जियस ऑप्टिक्स दिया गया है, जो कि पहले भी नोकिया अपने फोन्स में देता रहा है। नोकिया 7 प्लस में कनेक्टिविटी के लिए ड्यूअल सिम सपोर्ट के साथ माइक्रो एसडी स्लॉट दिया गया है। इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB है और इसे आप बढ़ाकर 256 GB तक कर सकते हैं। इसकी बैटरी 3800 mAh की है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहा है। कंपनी का दावा है कि इसे आप एक बार फुल चार्ज करके 19 घंटे तक का टॉक टाइम ले सकते हैं।